हेलो गाइस, माय नेम इज नितेश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एनएलपी का जो हमारा प्लेलिस्ट चल रहा है उसका लेक्चर 3 कवर करेंगे। जो टॉपिक है वो है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, सो मैंने आपको ऑलरेडी एनएलपी पाइपलाइन में बताया था कि सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है डेटा एक्विजिशन, डेटा को लाना। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है डेटा का क्लीनिंग और उसका प्री प्रोसेसिंग, सो दैट जब आप उसके ऊपर फीचर इंजीनियरिंग करो तो आपके पास सही फॉर्म में डेटा हो। ठीक है, सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, लाइक स्टॉपवर्ड रिमूवल, स्टेमिंग, लेमिटाइजेशन, टोकनाइजेशन, और इसके अलावा भी और 4-5 टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे। ऑल्सो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, पहली बार एक प्रोग्रामिंग बेस्ड असाइनमेंट होगा, तो प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो पूरा एंड तक देखो, क्योंकि अगर आप एंड तक देखोगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बस आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। सो एनएलपी पाइपलाइन अगर आपको याद होगा तो आपको याद होगा कि स्टेप 1 जो होता है वो होता है डेटा एक्विजिशन, मतलब आप डेटा को लेके आते हो। अब ये वाला स्टेप मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे कवर कर रखा है, थिंग्स लाइक वेब स्क्रैपिंग या फिर API से डेटा उठा के लाना, इस तरह के टॉपिक्स मैंने अपने 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग वाले प्लेलिस्ट में कवर कर रखा है। अगर आप वो देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। मैं डायरेक्टली इस पाइपलाइन के सेकेंड स्टेप पे मूव कर रहा हूँ और आज के वीडियो का टॉपिक इज टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, बेसिकली जब आपके पास डेटा आ जाता है तो आप उसके ऊपर क्या क्या क्लीनिंग के स्टेप्स करते हो, क्या क्या प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स करते हो, वही हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग दो तरीके का होता है, एक होता है बेसिक टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग और एक होता है एडवांस टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, बेसिक वाला हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। एडवांस में कुछ टॉपिक्स होते हैं लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग या फिर चंकिंग, पार्सिंग, को रेफरेंस रिजोल्यूशन, ये सब हम लोग फ्यूचर के एक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग बेसिक टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स कवर करने वाले हैं। क्या क्या कवर करेंगे एग्जैक्टली वो आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा होगा। हम लोग सीखेंगे लोअर केसिंग करना, HTML टैग्स हटाना, URL हटाना, पंक्चुएशन हटाना, चैट वर्ड्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, स्पेलिंग करेक्शन करना, स्टॉप वर्ड्स को हटाना, इमोजीज को हैंडल करना, टोकनाइजेशन, स्टेमिंग और लेमिटाइजेशन के बीच का डिफरेंस और क्या होता है। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा जो इस पूरी चीज से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये ही आज का वीडियो है पूरा, जो भी 1 घंटे का कंटेंट है। एक चीज आपको याद रखनी है कि जब आपके पास कोई डेटा सेट होगा, टेक्स्टुअल डेटा सेट जब होगा आपके पास, तो आप ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये सारे स्टेप्स उसके ऊपर अप्लाई करो। ठीक है, हो सकता है कि इनमें से कुछ स्टेप्स एप्लीकेबल होंगे, कुछ स्टेप्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे, बट कौन सा कब अप्लाई करना है ये कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा और वो आप प्रैक्टिस करते करते सीख जाओगे। सेकेंड चीज, ऑलमोस्ट सारे टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स मैंने कवर कर लिए हैं, कुछ नॉट सो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स मैंने कवर नहीं किए, वो हम देख लेंगे बाद में कभी फ्यूचर में। ठीक है, और थर्ड इज कि मैं ये पूरे के पूरे स्टेप्स को एक बहुत बढ़िया नोटबुक का फॉर्म दे दूंगा जो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, उसको आप एज अ टेम्पलेट यूज कर सकते हो फ्यूचर में अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको बतानी थी और अब लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग स्टेप। जनरली आपको जब भी कोई डेटा सेट मिलेगा, टेक्स्टुअल डेटा सेट, तो आपको सबसे पहले टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में लोअर केसिंग करना चाहिए। बेसिकली आपका जो पूरा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसके हर वर्ड को, इनफैक्ट हर कैरेक्टर को आप लोअर केस में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, क्यों करते हो, लॉजिक में थोड़ी देर में बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारे पास एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है और यहाँ पर देखो एक वर्ड लिखा हुआ है बेसिकली। ठीक है, अब बेसिकली में जो बी है वो कैपिटल है बिकॉज ये इंग्लिश के ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो कर रहा है कि आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट स्टार्ट करो उसका पहला जो अल्फाबेट है इट शुड बी अ कैपिटल लेटर। ठीक है, ये इंग्लिश का जो भी है रूल्स हैं। अब प्रॉब्लम क्या होगा कि मान लो इस पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं और भी बेसिकली यूज होता तो वो शायद ऐसे लिखा हुआ होता। ठीक है,
अब प्रॉब्लम क्या हो जाता कि जब आप इसको टोकनाइज करते एज इन वर्ड बाय वर्ड अलग करते, तो सिंस पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, वो इसको अलग मानता और इसको अलग मानता, और ये फालतू की एक एडेड कॉम्प्लेक्सिटी एड हो जाती है आपके मॉडल में. गिवन टू वर्ड्स दे आर ऑलमोस्ट सेम एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर. फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे स्मॉल बी है और यहाँ पे कैपिटल बी है. तो इस तरह का एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लाना है, हमें चीजों को सिंप्लीफाई करना है. इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू वुड नोटिस कि आपके टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में आप सबसे पहले ये करते हो कि अपने पूरे डॉक्यूमेंट को लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हो. ठीक है, बहुत लोग अपर केस में भी करते हैं, बट ज्यादातर लोग लोअर केस में करना प्रेफर करते हैं. ठीक है, सो अब मैं आपको जल्दी से दो एग्जाम्पल्स देता हूँ. फर्स्ट एक सिंपल डॉक्यूमेंट के ऊपर और फिर पूरे के पूरे डेटा सेट के ऊपर. सो मेरे पास ये एक डेटा सेट है, ये है IMDb के 50,000 मूवीज के ऊपर रिव्यूज. ठीक है, बहुत छोटा सा सिंपल सा डेटा सेट, एक्चुअली छोटा नहीं है, डेटा सेट बहुत बड़ा है बट नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत कम है. देर इज अ कॉलम कॉल्ड रिव्यू जिसमें आपका रिव्यू का टेक्स्ट है और फिर सेंटिमेंट पॉजिटिव है या नहीं. सिंपल सा डेटा सेट है सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए. ठीक है, अब इसमें से मैंने रैंडमली ये फोर्थ नंबर रिव्यू उठाया था, ये वाला, और ये ऐसा दिखाई देता है. ठीक है, अब आपको भी पता है अगर आपने बेसिक लेवल पाइथन पढ़ा होगा तो आप एक स्ट्रिंग को लोअर केस में कैसे लाते हो. यू हैव टू सिंपली राइट डॉट लोअर एंड यू कैन सी ये पूरा का पूरा चीज अब लोअर केस में आ चुका है. ठीक है, अब अगर आपको ये चीज पूरे के पूरे अपने कॉर्पस पे अप्लाई करनी है, पूरे के पूरे डेटा सेट पे अप्लाई करनी है, जैसे यहां पर टोटल मिला के मेरे पास 50K मूवीज के रिव्यू हैं, हाँ 50,000 मूवी रिव्यूज हैं, मुझे अगर सारे रिव्यूज को लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो मैं ये कोड लिखूंगा, आई वुड राइट df रिव्यूज डॉट str डॉट लोअर. एंड इट शुड बी रिव्यू एंड यू कैन सी ये मेरा सारा का सारा जो पूरा सीरीज था, जो बेसिकली जो पूरा कॉलम था, इसके अंदर हर रो में मैंने चेंजेस कर दिए. नाउ आई कैन जस्ट रीअसाइन दिस वैल्यू लाइक दिस. और अब अगर मैं df को रन करूं, यू कैन सी ये अब सब कुछ लोअर केस में है और उस तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा जैसे कंफ्यूजन की बात मैं यहाँ पे कर रहा था. तो दिस इज द फर्स्ट प्री प्रोसेसिंग स्टेप. जनरली आप सबसे पहले यही वाला स्टेप लेते हो अपने टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग पाइपलाइन में. सो गाइज, एक बार जब आप लोअर केसिंग करते थे हो, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है प्री प्रोसेसिंग में अनइम्पॉर्टेंट चीजों को रिमूव करना. ऐसी चीजें जो आपको काम नहीं आएंगी मॉडलिंग स्टेज में, आप उन चीजों को पहले ही हटा देते हो. ठीक है, तो जैसे कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैंने कई प्रोजेक्ट्स में फेस किया है, वो है कि जब आप डेटा लेट्स से किसी वेबसाइट से स्क्रेप करके लाते हो, तो उस टेक्स्ट डेटा में कई बार HTML टैग्स होते हैं. अब HTML टैग्स, अगर आपने थोड़ा भी HTML पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि HTML टैग्स का काम होता है ब्राउजर को समझाना कि डेटा को डिस्प्ले कैसे करना है. बट जब हम सेंटिमेंट रिलेटेड, सेंटिमेंट एनालिसिस टाइप का कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं NLP में, तो वहां पर हमें इन टैग्स की जरूरत नहीं है. टैग्स की जरूरत थी ब्राउजर को समझाने के लिए. ठीक है, हमारे मशीन लर्निंग मॉडल्स को उन टैग्स की जरूरत नहीं है, तो उनको हटाना ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं हटाओगे तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा हमारे मॉडल के लिए. सो जैसे कि ये टेक्स्ट हमने थोड़ी देर पहले देखा, ये भी शायद किसी वेबसाइट से स्क्रेप किया हुआ, इनफैक्ट ये IMDb से स्क्रेप किया हुआ है. सो यू कैन सी कि कई जगहों पर HTML टैग्स आपको दिखाई देंगे. ठीक है, अब इन HTML टैग्स का हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है, तो वॉट वी विल डू इज वी विल रिमूव देम. ठीक है, हटाएंगे कैसे, आपको सिंपल पाइथन का रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करना है जिसको आप रेगेक्स बोलते हो या रेजेक्स बोलते हैं कुछ लोग, तो आपको रेगेक्स यूज करना है और रेगेक्स यूज करके आपको ये हटाना है. बेसिकली आपको पैटर्न्स बनाने हैं और आपको उसको रिमूव करना है. ठीक है, सो मैं जनरली ऑनलाइन टूल्स यूज करता हूँ, जैसे कि ये रेगेक्स 101 बोल के एक टूल है. यहाँ पर आप स्ट्रिंग को पेस्ट करो और उसके बाद आप यहाँ पे पैटर्न्स ट्राई आउट कर सकते हो. अब इस वीडियो में मैं आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस नहीं पढ़ाने वाला बिकॉज खुद में वो बड़ा टॉपिक है, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा. मैं एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वो फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे ऑनलाइन ब्लॉग्स हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको सभी लैंग्वेजेस में पढ़नी है, तो पढ़ लेना, ठीक है, थोड़ा टाइम निकाल के। बट फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी गिवन इनपुट स्ट्रिंग में अगर आपको HTML टैग्स खोजने हैं तो ये पैटर्न आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये पैटर्न को मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है रिमूव HTML टैग्स, और उसके बाद ये बेसिक सा कोड है RE लाइब्रेरी मॉड्यूल को यूज़ करके, RE एज इन रेगुलर एक्सप्रेशन। आपको सिंपली ये कोड रन करना है। इवन इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड रेगुलर एक्सप्रेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये कोड मिल जाएगा ऑनलाइन, आप उसको यूज़ कर लो। पूरी चीज़ करनी क्यों है और कैसे करनी है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी आई वुड रिकमेंड टाइम निकाल के एक बार रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ लेना, कहीं और भी आपको काम आ ही जाएगा, ठीक है। सो ये मेरा फंक्शन है, इसको अगर मैं कोई भी इनपुट स्ट्रिंग दूंगा तो अगर उस इनपुट स्ट्रिंग में कोई भी HTML टैग होगा ये उसको हटा देगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक खुद से एक टेक्स्ट बनाया था जहाँ पे HTML टैग है, बॉडी टैग है, पैराग्राफ टैग है, और फिर कुछ कुछ जेन्युइन टेक्स्ट लिखा हुआ है जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को हमारे फंक्शन में मैं पास करूँगा रिमूव, और यहाँ पे आई वुड पास टेक्स्ट, और मैं इसको जैसे ही रन करूँगा यू कैन सी ये रहा हमारा आउटपुट, ठीक है। उसने ऑटोमेटिकली सारे टैग्स को हटा दिया। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखो ये जो ए टैग था इसमें एक लिंक भी था, उसने उसको भी इग्नोर कर दिया, बिकॉज हमारा पैटर्न ये है कि अंदर जो भी कुछ हो इस पैटर्न में उसको रिमूव कर दो, उस पूरे स्ट्रक्चर को ही रिमूव कर दो, ठीक है। एंड दैट इज हाउ दिस थिंग इज वर्किंग, ठीक है। सो अब हमारे डेटा में भी जहां जहां पे भी HTML टैग्स हैं हम उसको हटा सकते हैं बाय राइटिंग दिस सिंपल पीस ऑफ कोड। वी वुड राइट df का रिव्यू एंड वी विल यूज अप्लाई फंक्शन, और यहां पे हम अपने फंक्शन का नाम पास कर देंगे रिमूव HTML टैग्स, और इसको हम जैसे ही रन करेंगे ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखो तो सेकंड वाले में इस जगह पे br और br था और अब वो सेकंड वाले में नहीं है, ठीक है। अब आप इसमें से अगर इसको हम वापस रीअसाइन कर दें, और अगर हम लिखें लेट्स से मैं आपको वही 3 वाला दिखाता हूँ, यू कैन सी अब यहाँ पे कोई भी br टैग नहीं है जो कि यहाँ पे काफी सारे थे, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू डू इट, और दैट्स वेरी सिंपल एक्चुअली अगर आपको पैटर्न्स पता है। सो गाइस कभी कभी क्या होगा कि आप ऐसे डेटा के साथ काम करोगे जहां पर टेक्स्ट के अंदर URLs होंगे, ठीक है। जनरली ऐसा डेटा आपको मिलेगा जब आप सोशल मीडिया रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, लेट्स से आपने ट्विटर का डेटा उठाया या फिर व्हाट्सएप का डेटा उठाया, लेट्स से आप व्हाट्सएप चैट एनालिसिस कर रहे हो, तो इस तरह की जगहों पे आपको दिखाई देगा कि आपके यूजर्स ने टेक्स्ट में URLs शेयर कर रखे हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस टेक्स्ट में 2 URLs हैं, एक ये और एक ये, एंड आपको आई गेस कॉमन सेंस से भी ये समझ में आ रहा होगा कि जब आप कुछ भी तरह का एनालिसिस कर रहे हो, लेट्स से आप सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हो या टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर रहे हो, वहां पर जो URLs हैं वो कुछ बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, ठीक है। इनफैक्ट हो सकता है कि वो आपके मॉडल को कंफ्यूज कर दें, ठीक है। तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप URLs को भी रिमूव कर दो। अगेन URLs को रिमूव करने के लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करने हैं, सो दैट इज वाई मैं बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा टाइम लेकर के आप लोग रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ लेना, ठीक है। सो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, सिंस मेरे पास ऐसा कोई डेटा सेट नहीं है जहां पर URLs हो, मैंने खुद से कुछ टेक्स्ट लिए हैं। सो ये मेरे पास 4 अलग अलग टेक्स्ट हैं, 4 अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि मैं आपको अलग अलग पैटर्न्स दिखाना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होगा, आपका लिंक स्टार्ट होगा HTTPS से, कभी कभी HTTP से हो सकता है, कभी कभी WWW से हो सकता है, और कभी कभी हो सकता है कि मल्टीपल लिंक्स हों। तो ये 4-5 वेरिएशंस मैंने रखे हैं। दिस इज द पैटर्न, यही वो पैटर्न है। अगेन आप रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ोगे तो ये पैटर्न्स बनाना सीख जाओगे, अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन हमेशा है स्टैक ओवरफ्लो टाइप की जगह पे जाके कॉपी पेस्ट करना, ठीक है। सो अगर नहीं मिलता है तो फिर आप खुद से बनाना सीखो, अदरवाइज काम चल जाएगा ऑनेस्टली। सो दिस इज द फंक्शन जिसको आप जैसे ही इनपुट दोगे एक टेक्स्ट का, वो ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट के अंदर से सारे URLs को हटा देगा और आपको आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। सो आई विल शो यू, व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉल दिस फंक्शन, एंड वन बाय वन मैं एक एक करके सारे के सारे ये जो टेक्स्ट है इनको भेजता हूँ। जैसे कि टेक्स्ट 1 को जब मैं भेजूंगा, यू कैन सी दिस इज द आउटपुट।
चेकआउट माई नोटबुक, उसने उस पूरे के पूरी चीज को ही हटा दिया, ठीक है। अगर मैं 2 को भेजूं तो वो HTTP को भी डिटेक्ट कर रहा है, अगर मैं 3 को भेजूं तो वो www वाले URL को भी डिटेक्ट कर रहा है, और अगर मैं 4 भेजूं तो ऑब्वियसली वो मल्टीपल चीजें भी डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू डू इट। अगेन कुछ बहुत खास नहीं है अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस आते हैं तो। ओके गाइज, नेक्स्ट इज रिमूविंग पंक्चुएशन। सो पंक्चुएशन आई गेस आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में पंक्चुएशन आर दोज सिंबल्स जिनको यूज किया जाता है लैंग्वेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, जैसे कि फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट जनरेट किया है कि पाइथन किन चीज़ों को पंक्चुएशन कंसिडर करता है, तो ये पूरा का पूरा सेट है ऑफ ऑल द पंक्चुएशन मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है। द गुड पार्ट इज कि आप इसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, कल को अगर आपको अपने करेंट प्रोजेक्ट में लेट्स से हैश को पंक्चुएशन मार्क नहीं मानना तो आप इसको इस लिस्ट से हटा सकते हो, ये फ्लेक्सिबल है, बट या पंक्चुएशन का यही मतलब है, ठीक है। अब ये डिस्कस करते हैं कि पंक्चुएशन को हटाना क्यों जरूरी है, दो रीजन है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सी, थोड़ी देर के बाद हम लोग टोकनाइजेशन पढ़ेंगे। टोकनाइजेशन क्या होता है कि आप अपने सारे के सारे वर्ड्स को अलग कर देते हो, ठीक है, सो दैट आप आगे जाके उसके ऊपर फीचर इंजीनियरिंग अप्लाई कर पाओ। अब होगा क्या कि अगर आपके टेक्स्ट में पंक्चुएशन है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जब आप इसको टोकनाइज करो तो वो सारे के सारे पंक्चुएशन मार्क्स को एक अलग वर्ड की तरह ट्रीट करें। यू कैन सी, जैसे हेलो हाउ आर यू, इसमें दो पंक्चुएशन मार्क्स हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क। सो यू कैन सी जब टोकनाइजेशन हुआ तो ये सब अलग वर्ड्स बन गए, ठीक है। अब ये जो वर्ड बना और ये जो वर्ड बना, ये फालतू में क्या कर रहा है कि ये आपके डॉक्यूमेंट को बहुत बड़ा कर रहा है, इनका एक्चुअल मीनिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन मार्क का फिर भी थोड़ा पड़ सकता है, बट अगर आप बाकी पंक्चुएशन मार्क्स को देखो तो उतना असर नहीं पड़ेगा, और फालतू में आपका डॉक्यूमेंट बड़ा हो जाएगा और आपका मॉडल कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट रीजन जिसकी वजह से आपको पंक्चुएशन मार्क्स नहीं चाहिए, बिकॉज सेंटिमेंट एनालिसिस, टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन और इस तरह की चीजों के लिए आपको पंक्चुएशन मार्क्स की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सेकेंड रीजन क्या है कि ऐसा हो सकता है कि आपने टोकनाइजेशन जब किया तो वो इस पूरे को एक वर्ड मान ले, इस पूरे को एक वर्ड मान ले, लाइक दिस। जब टोकनाइजेशन हुआ तो ये आउटपुट आया। अब ये भी प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि फ्यूचर में अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई हेलो हो, नॉर्मल हेलो, तो आपका जो एल्गोरिदम है वो इन दोनों हेलो को अलग मानेगा और अलग ढंग से ट्रीट करेगा, ठीक है। सेम गोज विद यू क्वेश्चन मार्क एंड यू, इन दोनों को अलग माना जाएगा और फिर ऑब्वियसली आपका मॉडल कंफ्यूज होगा। तो इन शॉर्ट, आपको पंक्चुएशन हटा देने चाहिए, 99% टाइम्स आपको हेल्प करेगा। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जहां पर आपको पंक्चुएशन मार्क्स नहीं हटाना हो, बट वो बहुत रेयर होता है, ठीक है। सो अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप पंक्चुएशन मार्क्स को कैसे हटा सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर यू कैन सी मैंने दो मॉड्यूल्स इंपोर्ट किए हैं, एक का नाम है स्ट्रिंग और एक का नाम है टाइम। टाइम मैंने क्यों इंपोर्ट किया मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताता हूँ, बट स्ट्रिंग मैंने इसलिए इंपोर्ट किया क्योंकि स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन करने पे मुझे वो पंक्चुएशन मार्क्स के सारे सेट मिल जा रहा है, यही वो सेट है, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, एक्सक्लूड बोल के, और फिर मैंने एक फंक्शन बनाया रिमूव पंक्चुएशन, जिसमें अगर आप एक टेक्स्ट प्रोवाइड करो तो मैंने बस ये सिंपल सा लॉजिक लगाया है कि मैं लूप चला रहा हूं और गिवन टेक्स्ट में इनमें से अगर कोई भी है तो उसके बदले में कुछ भी नहीं से उसको रिप्लेस कर दे रहा हूं, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, मान लो ये मेरे पास गिवन टेक्स्ट है जिसमें 3 पंक्चुएशन मार्क्स हैं, 1, 2 और 3। अब जैसे ही मैंने इसको कॉल किया रिमूव पंक और यहां पर टेक्स्ट को पास किया, दिस इज द आउटपुट, ठीक है, उसने ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया। इस पहले वाले के बदले कुछ नहीं, इसके बदले कुछ नहीं और इसके बदले भी कुछ नहीं, बस ये रिप्लेसमेंट हो गया, ठीक है। अब ये वाले कोड से कंफ्यूज मत होना, ये वाला कोड मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है बिकॉज मैं आपको ये मेजर करके दिखाना चाहता हूं कि कितना टाइम लग रहा है ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में, ठीक है। सो अगर मैं प्रिंट करके आपको दिखाऊं कि टाइम 1 कितना है, तो इतने सेकेंड्स लग रहे हैं, इतने सेकेंड्स लग रहे हैं,
एंड गेस वॉट, ये जो टेक्निक हमने यूज किया है पंक्चुएशन मार्क को रिमूव करने का, ये बहुत हमने खुद से कोड किया है, लॉजिक स्क्रैच से बिल्ड किया है, एंड दैट इज वाई ये बहुत स्लो है. अगर आप एक बहुत बड़े डेटा सेट के ऊपर इसको अप्लाई करोगे, यू वुड सी कि आपका सारे के सारे रोज में चेंजेस होने में बहुत टाइम लग जाएगा. क्योंकि एक में अगर इतना टाइम लग रहा है तो इमेजिन करो आपने पास 50,000 है, तो उसको 50,000 से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, यू वुड फाइंड कि इतना टाइम लग जाएगा. ये देखो 67 सेकंड्स लग रहे हैं, मतलब आपको एक मिनट वेट करना पड़ेगा. अब वही अगर 1,00,000 हो तो 2 मिनट वेट करना पड़ेगा, तो ये बहुत स्लो है. ठीक है, तो मैं आपको एक दूसरा टेक्निक बताता हूँ जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड टेक्निक है, आपको तुरंत गूगल से भी मिल जाएगा. दिस इज द कोड. बेसिकली हमने एक दूसरा फंक्शन बनाया रिमूव पंक्चुएशन वन बोल के, इसमें बस मैंने एक लाइन का कोड लिखा है, टेक्स्ट डॉट ट्रांसलेट. टेक्स्ट क्या है, जो टेक्स्ट आपको कन्वर्ट करना है, पंक्चुएशन हटाने हैं, और उसके बाद str डॉट मेक ट्रांस बोल के एक फंक्शन है जिसके अंदर आपको ये 3 पैरामीटर्स भेजने हैं, किस चीज से रिप्लेस करना है, और फाइनली आपका ये एक्सक्लूड. एक्सक्लूड क्या है, लिस्ट ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स. और अब देखो मैंने सेम काम किया और रिमूव पंक वन को जैसे ही कॉल किया, आउटपुट ऑब्वियसली सेम आएगा, आउटपुट सेम आया. और अब मैंने क्या किया, टाइम वन डिवाइडेड बाई टाइम टू जब किया तो ये 18 टाइम्स फास्टर है, सेकेंड वाला जो स्टेप है 18 टाइम्स फास्टर. या फिर आप प्रिंट करके अगर देखो कि अगर मैं टाइम टू मल्टीप्लाइड बाय 50,000 के साथ करूं ये काम, तो जस्ट 3.36 सेकेंड्स लग रहे हैं. ठीक है, तो इसीलिए आपको ये कोड यूज करना है, ना कि ये कोड, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग विथ बिग डेटा सेट. ठीक है, तो एक काम करते हैं, मेरे पास एक डेटा सेट है, सी दिस इज द डेटा सेट. ये ट्विटर पे हेट स्पीच का डेटा सेट है, बहुत फेमस. ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ. और ये सारे के सारे ट्वीट्स हैं. ठीक है, दीज आर ऑल ट्वीट्स. ठीक है, तो आपको बस क्या करना है कि कुछ ट्वीट्स में जैसे कि ये हैशटैग्स वगैरह यूज हुए हैं या फिर यूजर का नाम आया है, आपको इसको रिमूव करना है. ठीक है, इन पंक्चुएशन मार्क्स को रिमूव करना है. तो आप सिंपली क्या करोगे, यू विल कॉपी दिस फंक्शन ओवर हेयर एंड देन यू वुड राइट दिस कोड. यू वुड राइट df का ट्वीट डॉट अप्लाई, और यहां पर आपको बस अपने फंक्शन का नाम लिख देना है, रिमूव पंक्चुएशन वन, एंड एक्सक्लूड हमने यहाँ पे यूज नहीं किया. सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पूरे कोड को कॉपी करना पड़ेगा और उसको लेट्स से हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं. टाइम मॉड्यूल की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सक्लूड. And now we will run this. And you can see, ये हो गया हमारा काम. ठीक है, अब चाहो तो आप इसको वापस reassign कर सकते हो by simply writing this code. और अपना काम हो गया. This is our df. ठीक है, this is our df. ठीक है, that is how you remove punctuation. I guess आपको ये भी समझ में आ गया कि क्यों हटाना चाहिए, कौन सा method use करना चाहिए. मैंने आपको सारी चीजें बता दी. अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग चीज के ऊपर. सो द नेक्स्ट टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग टेक्निक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज चैट वर्ड ट्रीटमेंट. सो गाइज, आपको ऑलरेडी पता होगा कि हम जिस तरीके से चैट करते हैं आजकल इन मैसेजिंग एप्स के ऊपर, उसमें वी यूज शॉर्ट हैंड्स. ठीक है, हम बड़े बड़े फ्रेजेस को एक सिंगल वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं. जैसे कि ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ROFL, LMAO, IMHO, FYI, ASAP, गुड नाइट, एक्सेट्रा. ठीक है, अब अगर आप कभी किसी ऐसे डेटा के ऊपर काम कर रहे हो जो सोशल मीडिया बेस्ड हो या फिर मैसेजिंग ऐप के ऊपर हो, तो या फिर आप लेट्स से एक चैटबॉट बना रहे हो जहां पर सामने से एक रियल वर्ल्ड यूजर आपसे चैट करेगा, तो उस तरह के सिनेरियोज में इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपके पास अगर ये वर्ड्स हैं, इस तरह के वर्ड्स हैं, तो आप उनको पहले नॉर्मल फॉर्म में लेके आओ. जैसे जहां भी गुड नाइट लिखा हुआ है, GN लिखा हुआ है, वहां पे आप उसको रिप्लेस करो विथ गुड नाइट. ठीक है, ASAP जहां भी लिखा हुआ है उसको आप रिप्लेस करो विथ एज सून एज पॉसिबल एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है. आपको बस एक डिक्शनरी चाहिए जहां पर एक तरफ ये
शॉर्ट फॉर्म लिखा हो और दूसरी तरफ आपके पास कंप्लीट वर्ड लिखा हो। सो फॉर्चुनेटली मुझे गिटहब पे ये रिपोजिटरी मिली जहाँ पर ये टेक्स्ट फाइल में अराउंड 60 इस तरह के शॉर्ट हैंड्स का डिटेल है, यू कैन सी। ठीक है, सो मैंने क्या किया, सिंपली इस पूरी चीज़ को पाइथन में ले आया मैं और उसको मैंने एक डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद एक बहुत सिंपल सा कोड लिखा, एक फंक्शन बनाया मैंने जहाँ पे मुझे जैसे ही कोई इनपुट टेक्स्ट मिल रहा है तो मैं बस उस टेक्स्ट को स्प्लिट कर रहा हूँ वर्ड्स में और फिर मैं वर्ड को चेक कर रहा हूँ कि वो इस डिक्शनरी में है कि नहीं। अगर है तो मैं उसका की एक्सट्रैक्ट करके इस लिस्ट में अपेंड कर दे रहा हूँ, और अगर नहीं है तो मैं उस वर्ड को एज इट इज इस लिस्ट में अपेंड कर दे रहा हूँ, और लास्ट में बस इस लिस्ट को स्पेस पे ज्वाइन कर दे रहा हूँ। दैट्स इट, दिस इज द फंक्शन। एंड यू कैन सी अगर आप इसको यूज करो, सो जैसे कि यहाँ पर लिखा है चैट कन्वर्जन फंक्शन को कॉल करके IMHO ही इज द बेस्ट, तो इसका आउटपुट अपने आप देखो हो जाएगा इन माई हम्बल ओपिनियन या ऑनेस्ट ओपिनियन FYI के लिए हो जाएगा फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब बस इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पूरे के पूरे डेटा सेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी ऐसा डेटा सेट नहीं है, बट यू गेट द आइडिया। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है जो आपको हमेशा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको तब करनी होगी जब आप इस तरह के डेटा के साथ काम कर रहे हो। ठीक है, सो ये बस आपको दिखाना था। सो गाइज, नेक्स्ट टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग टेक्निक में हम सीखेंगे स्पेलिंग करेक्शन। सो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, प्लीज़ रीड द नोटबुक एंड ऑल्सो लाइक द नोटबुक, एंड यू कैन सी ये नोटबुक और ये नोटबुक का स्पेलिंग में डिफरेंस है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है और ये करेक्ट है। ठीक है, अब समझने में बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि प्रॉब्लम क्या होगा, फ्यूचर में आप जब इसको टोकेनाइज करोगे तो ये अलग वर्ड बन जाएगा और ये अलग वर्ड बन जाएगा और अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा आपके मॉडल में, जिसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस खराब हो सकता है। सो अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहाँ पर डेटा जो है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होने का चांसेस है, तो फिर आपको स्पेलिंग करेक्शन वाला टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अब देर आर मल्टीपल टेक्निक्स, यू कैन यूज एनी ऑफ द लाइब्रेरीज, NLTK, स्पेसी या टेक्स्ट ब्लॉब, या फिर और भी कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज आती हैं, जैसे कि एक पाई स्पेल चेकर बोल के एक लाइब्रेरी है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने पर्सनली टेक्स्ट ब्लॉब यूज़ किया है इस पर्पस के लिए, तो आई विल शो यू। सो दिस इज द कोड, यू हैव टू फर्स्ट इम्पोर्ट टेक्स्ट ब्लॉब, ये रहा मेरा इनकरेक्ट टेक्स्ट जहाँ पर यू कैन सी देर आर अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, सर्टेन कंडीशंस, इनफैक्ट सारे ही चीज़ों को मैंने गलत डाल दिया है। उसके बाद आपको बस टेक्स्ट ब्लॉक का एक ऑब्जेक्ट बनाना है और यहाँ पर आपको पास कर देना है अपना टेक्स्ट, और बस आपको कॉल करना है इस ऑब्जेक्ट में डॉट करेक्ट डॉट स्ट्रिंग को, और ये आपको ऑटोमेटिकली करेक्ट करके दे देगा। ठीक है, तो जितने भी कॉमन टाइप के स्पेलिंग मिस्टेक्स थे वो टेक्स्ट ब्लॉक बहुत ईजिली हैंडल कर लेता है। अगर कोई स्पेसिफिक तरीके के डेटा के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो, जैसे कि हो सकता है रीजनल वर्ड्स बहुत हों उसमें, तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है आपको खुद का भी स्पेल चेकर बनाना पड़े। गाइज, नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ रहे हैं वो है स्टॉप वर्ड्स हटाना। ठीक है, सो स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं, इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस फॉर्मेशन के काम आते हैं, बट उनका सेंटेंस की मीनिंग में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता। ठीक है, जैसे कि ए, द, ऑफ, आर, माई, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको हेल्प करते हैं बट सेंटेंस की मीनिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करते, और इस तरह के वर्ड्स यूजफुल नहीं है अगर आप सेंटिमेंट एनालिसिस या फिर डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन टाइप का काम कर रहे हो। ठीक है, तो इनको हटा दिया जाता है, इट इज़ अ प्री प्रोसेसिंग स्टेप। हटाना बहुत ईजी है, आप NLTK लाइब्रेरी को यूज़ करते हो, उसमें पहले से एक पूरा लिस्ट ऑफ स्टॉप वर्ड्स दिया हुआ है इंग्लिश का भी और दूसरे लैंग्वेजेस का भी, उसको यूज करके आप इसको हटा देते हो। कुछ टास्क ऐसे हैं जिनके लिए आप इनको रखते हो, हटाते नहीं हो, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग, उसमें आप स्टॉप वर्ड रिमूवल नहीं करते हो, सो यू हैव टू बी जस्ट केयरफुल। बाकी के बाकी टास्क जितने भी हैं उनमें आप स्टॉप वर्ड्स को हटा देते हो। ठीक है, स्टॉप वर्ड्स कैसे हटाया जाता है, लेट मी शो यू। सो द कोड इज वेरी सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इम्पोर्ट दिस लाइब्रेरी NLTK, उसमें कॉर्पस के अंदर आपको स्टॉप वर्ड्स मिलेगा, और अगर आपको इंग्लिश के स्टॉप वर्ड्स देखने तो आपको बस ये कोड लिखना है, स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स, यहाँ पे आपको लैंग्वेज स्पेसिफाई करना है और
ये एक लिस्ट में सारे के सारे स्टॉप वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप दूसरे लैंग्वेजेस का भी देख सकते हो। लेट्स से आपको स्पैनिश देखना है तो दीज आर स्पैनिश स्टॉप वर्ड्स, ठीक है। हिंदी नहीं है, मैंने ट्राई किया था। फ्रेंच है और भी जितने लैंग्वेजेस फेमस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वो आपको मिल जाएंगे, बट हम लोग अभी इंग्लिश के ऊपर ही काम कर रहे हैं। सो आई जस्ट शो यू वन एग्जाम्पल कि कैसे ये काम करता है। दिस इज द फंक्शन जो मैंने बनाया है रिमूव स्टॉप वर्ड्स बोल के। इसको आप जैसे एक टेक्स्ट प्रोवाइड करोगे, यहाँ पे बहुत सिंपल सा लॉजिक लिखा हुआ है कि आप उस टेक्स्ट को वर्ड बाय वर्ड ब्रेक कर रहे हो और चेक कर रहे हो कि जो वर्ड है करेंट वर्ड वो स्टॉप वर्ड वाले लिस्ट में है कि नहीं। अगर है तो आप उस वर्ड के बदले खाली ऐड कर दोगे इस लिस्ट में। अगर वो स्टॉप वर्ड नहीं है तो आप उस वर्ड को एज इट इज ऐड कर दोगे इस लिस्ट में और उसको आप रिटर्न कर दे रहे हो, दैट्स इट, ठीक है। अगर आप इस कोड को रन करो तो यू कैन सी यहाँ पर माई हट गया, अ हट गया, ठीक है। यहाँ पर आप अगर रिजल्ट चेक करो तो यू कैन सी कि 179 जितने भी स्टॉप वर्ड्स हैं वो सारे ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। अगर आपको पूरे डेटा सेट के ऊपर लगाना है तो भी बहुत ईजी है। आपको सिंपली ये कोड लिखना है, ठीक है। अप्लाई फंक्शन में यू हैव टू जस्ट कॉल द रिमूव स्टॉप वर्ड्स फंक्शन और वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सारे के सारे स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये कोड बस एक बार ट्राई करके देख लेना, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि स्टॉप वर्ड्स आपके डेटा में से हट जा रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स इट। सो गाइज, नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इमोजीज को हैंडल करना। सो हम लोगों ने शायद साथ में ही देखा है ये इवोल्यूशन की किस तरीके से मैसेजिंग एप्स मार्केट में आ गए और उन्होंने पूरा मार्केट टेक ओवर कर लिया। एसएमएस एप्स अब पीछे हो गए और हम लोग डे टू डे लाइफ में चैट करते वक्त इमोजीज कितना यूज करते हैं टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस, ठीक है। बट द प्रॉब्लम विथ इमोजीज इज कि जब आप इसके ऊपर एनालिसिस करने जाओगे ना तो इमोजीज को समझ नहीं पाता है हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। सो आपको क्या करना होता है, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है कि आप इनको रिमूव कर दो अपने टेक्सचुअल डेटा से, दिस इज ऑप्शन वन। एंड ऑप्शन टू इज कि आप इसको रिप्लेस कर दो विथ इट्स मीनिंग। जैसे अगर ये इमोजी है तो आप इसको रिप्लेस कर दो विथ अ वर्ड हैप्पी, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास, या तो रिमूव या फिर रिप्लेस। मैं आपको दोनों दिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल है कोड। आई शो यू। टू रिमूव इमोजी आपको ये सिंपल सा कोड यूज करना है। एक्चुअली आपको इसमें कुछ चेंजेस भी नहीं करने, बहुत सिंपल सा हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन लगाया है जहां पे हमें जैसे ही टेक्स्ट मिलेगा हम उसको यूनिकोड में कन्वर्ट करेंगे और यूनिकोड में हम ये पैटर्न्स खोजेंगे। ये पैटर्न्स अलग अलग हैं, जैसे ये इमोशंस के लिए हैं, ये सिंबल्स के लिए हैं, ये ट्रांसपोर्ट के लिए हैं, ये आईओएस में फ्लैग्स के लिए हैं। इस तरीके से अलग अलग पैटर्न्स हैं। अगर इनमें से कोई भी पैटर्न मैच करता है तो हम उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, रिमूव कर रहे हैं। सो दिस इज द कोड। आपको इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसको एज इट इज आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। एंड यू कैन सी द आउटपुट। रिमूव इमोजी को जैसे ही कॉल किया और मैंने ये भेजा, यू कैन सी इसने रिमूव कर दिया एंड दिस वॉज द आउटपुट। सिमिलरली जब मैंने इसको भेजा तो दिस वॉज द आउटपुट, ठीक है। तो बहुत ईजी है, यहाँ पर एज सच आपको कुछ चेंजेस नहीं करने, जस्ट यूज इट इन योर प्रोजेक्ट, ओके। सेकेंड इज कि आप कैसे रिप्लेस करोगे विथ अ मीनिंग। सो यहाँ पर एक मॉड्यूल यूज किया मैंने, इमोजी बोल के एक मॉड्यूल है पाइथन में। आपको बस इस मॉड्यूल को कॉल करना है और इसके अंदर एक फंक्शन होता है डीमोजाइज, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने जैसे ही भेजा पाइथन इज दिस इमोजी, दिस वॉज द आउटपुट, पाइथन इज फायर, ठीक है। अगर मैं ये भेजू लव द मूवी इट वॉज, तो दिस इज द आउटपुट, फेस ब्लोइंग अ किस, ठीक है। सो आप सिंपली इसको यूज कर सकते हो एंड इट विल हेल्प यू डू द टास्क, ठीक है। सो दैट्स इट। इमोजीज हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है अगर आप डायरेक्टली ये फंक्शन यूज कर लो, ठीक है। सो या सो गाइज, नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग का प्रोबेबली सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप और वो है टोकनाइजेशन। शायद आपने पहले भी नाम सुना होगा। सो टोकनाइजेशन होता क्या है? टोकनाइजेशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग योर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इनटू स्मॉलर पार्ट्स जिनको हम टोकन्स बोलते हैं, ठीक है। अब वो स्मॉलर पार्ट्स वर्ड्स भी हो सकते हैं, सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, फ्रेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। लेट्स से मेरे पास ये सेंटेंस है,
आई एम एन इंडियन, ठीक है। अब अगर मुझे इसको वर्ड टोकनाइज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको वर्ड बाय वर्ड ब्रेक कर दूंगा। सो मुझे चार टोकन्स मिलेंगे, एक होगा आई, एक होगा एम, एक होगा एन और एक होगा इंडियन, ठीक है। अगर एक पूरा पैराग्राफ होता तो आप सेंटेंस के बेसिस पे भी टोकनाइज कर सकते थे। तो आपके पास लेट्स से यहां पे लिखा है आई एम एन इंडियन, आई लव माई कंट्री, लेट्स से ये लिखा हुआ है। तो इन दैट केस मेरे पास एक लिस्ट बनता जिसमें ये जो सेंटेंस है वो पहला आइटम होता और फिर ये जो सेंटेंस है वो दूसरा आइटम होता। तो ये जो टोकनाइजेशन हुआ है ये सेंटेंस लेवल पे हुआ है और ये जो टोकनाइजेशन हुआ है ये वर्ड लेवल पे हुआ है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, आप किस तरह का फीचर इंजीनियरिंग स्टेप ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का टोकनाइजेशन करोगे, बट मोस्टली आप वर्ड टोकनाइज करते हो, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो आया था वाइल लर्निंग टोकनाइजेशन कि टोकनाइजेशन करना क्यों है, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेप क्यों है, ठीक है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल, लेट्स से मुझे एक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाना है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाना है जो ये बताए कि जो कस्टमर का क्वेरी है वो सपोर्ट रिलेटेड है, एज इन उसको सपोर्ट चाहिए, या फिर सेल्स रिलेटेड है, मतलब उसको कुछ खरीदना है, लेट्स से, ठीक है। तो मुझे ये सिस्टम बनाना है, मेरे पास इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट है, एक डेटा है जिसमें दो कॉलम्स हैं, एक है चैट, कस्टमर ने क्या चैट किया, दूसरा उसका क्लास क्या है, सपोर्ट है या सेल्स है, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस है, यहाँ पे वन या फिर जीरो है, ठीक है, इस तरीके से मेरा डेटा है, ओके। अब मुझे क्या करना है, मैंने इसमें एक फीचर इंजीनियरिंग लगाने का प्लान किया कि मैं इसको नंबर्स में कन्वर्ट करूंगा, और नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैं हर चैट का नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स निकालूंगा, नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स निकालूंगा, और यही मेरा लॉजिक होगा टू क्लासिफाई बिटवीन सपोर्ट एंड सेल्स, लेट्स से सिंपल सा एक फीचर इंजीनियरिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक सेंटेंस आया, आई एम न्यू इन न्यू दिल्ली, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस में यूनिक वर्ड्स कितने हैं तो आप बोलोगे एक, दो, तीन, चार, ये न्यू यहां पर फिर से आया है, पांच। तो यू वुड से कि पांच है और आप यहां पे पांच लिख देते, बट अगर आप इसको सही से टोकनाइज करोगे तो यू वुड सी कि ये न्यू और ये न्यू अलग है, एक्चुअली ये न्यू एक्चुअली न्यू दिल्ली का पार्ट है, इंडिपेंडेंट नहीं है लाइक दिस न्यू। तो अगर आपको ये पता होगा तो आप पांच के बदले यहां पे चार लिखते। सो टोकनाइज करने का सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है, जो वाई पार्ट है, वो ये है कि आप जब फ्यूचर में फीचर इंजीनियरिंग करते हो जहां पे आप अलग अलग तरीके से दिमाग लगाते हो कि आपके टेक्स्ट को नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, वहां पर अगर आप गलत ढंग से टोकनाइज करके भेजोगे तो आपका मॉडल कंफ्यूज होगा और आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इन दिस टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग स्टेज कि आप सही से टोकनाइज करो, ठीक है। अब टोकनाइज करने में प्रॉब्लम्स होंगी, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि टोकनाइज करने में आपको ये चार चीजें दिखाई देंगी आपके सेंटेंसेस में, कुछ प्रीफिक्सेस होंगे, प्रीफिक्स होता है जो कैरेक्टर की शुरुआत में आता है, सॉरी वर्ड की शुरुआत में आता है, सफिक्स होता है जो एंड में आता है, इनफिक्स होता है जो बीच में आता है, और कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनकी, इन चार रीजंस की वजह से टोकनाइज करने में प्रॉब्लम होता है। जैसे कि लेट्स से आपको इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है कि 20 रुपीज लगेगा, अब ऑब्वियसली इसमें डॉलर को अलग करना चाहिए और 20 को अलग करना चाहिए, बट ये बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, बहुत हमारे एल्गोरिदम्स नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट्स को हैंडल करने में प्रॉब्लम होगी, एपोस्ट्रोफीज को हैंडल करने में प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन मार्क्स को हैंडल करने में प्रॉब्लम होगी। सिमिलरली जब सफिक्स होता है, लेट्स से 10 किलोमीटर है, तो इसको पूरा आप
एक वर्ड मान लोगे, बट एक्चुअली होना क्या चाहिए, 10 अलग होना चाहिए, किलोमीटर अलग होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। सिमिलरली एक्सक्लेमेशन मार्क है, लेट्स से आई एम न्यू टू दिल्ली, और दिल्ली के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क अलग करना है, दिल्ली अलग करना है, ठीक है। तो मैं बस ये समझा रहा हूँ कि आपको किस तरह के चैलेंजेस मिलेंगे वाइल डूइंग टोकनाइजेशन, ठीक है। फिर आपको बीच में भी कैरेक्टर्स मिल सकते हैं, लाइक न्यूयॉर्क, लेट्स से ये, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपको टोकनाइज नहीं करना है, ठीक है। फिर कुछ एक्सेप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि लेट्स है, सो लेट्स में लेट अलग होना चाहिए और ये एस अलग होना चाहिए, बट कई लोग, कई एल्गोरिदम्स क्या करेंगे कि पूरे वर्ड को साथ में ले लेंगे। सिमिलरली यू एस है, तो नॉर्मल जो एल्गोरिदम्स होंगे वो यू को अलग कर देंगे, एस को अलग कर देंगे, बिकॉज देर इज अ सेमी, ये डॉट, तो उसके बेसिस पे आपको ऐसा नहीं करना है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेशल रूल टू स्प्लिट अ स्ट्रिंग इन टू सेवरल टोकन्स और प्रिवेंट अ टोकन फ्रॉम बीइंग स्प्लिट व्हेन पंक्चुएशन रूल्स आर अप्लाइड। सो ये डिसाइड कर पाना कि कब रखना है, कब हटाना है, ये सब बहुत चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है। मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि टोकनाइजेशन उतना सिंपल है नहीं। आप सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते जैसा मैंने यहाँ पे किया कि एक सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड आपने अलग कर दिया और आपका काम हो गया। कई बार आपको इस तरह के चैलेंजिंग सिनारियोज मिलेंगे जहां पर आपका ये लॉजिक फेल कर जाएगा, और वहां पर यू वुड नीड थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम्स जो इस तरह के चैलेंजेस को भी हैंडल कर पाए, ठीक है। तो मैं आपको कोड के थ्रू दिखाता हूँ कि क्या टेक्निक्स हैं जो आप यूज करते हो टोकनाइज करने के लिए। मैं आपको एकदम बेसिक टेक्निक्स दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ लाइब्रेरीज यूज करके दिखाऊंगा जो बहुत अच्छे से टोकनाइजेशन का काम करती हैं, और मैं साथ ही साथ आपको ये भी दिखाऊंगा कि कितने भी अच्छे एल्गोरिदम को आप यूज करो, कुछ गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट। तो जो फर्स्ट टेक्निक है वो ये है कि आप डायरेक्टली स्प्लिट फंक्शन यूज कर लो पाइथन का, ठीक है। बहुत सिंपल है, वो स्पेस के ऊपर ऑटोमेटिकली आपके सेंटेंस को तोड़ देगा और आपका वर्ड टोकनाइजेशन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखो, सेंटेंस वन, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। अब अगर मुझे इसके ऊपर स्प्लिट लगाना है तो आई विल गेट दिस, सारे के सारे मेरे वर्ड्स अलग हो गए, एंड ऑनेस्टली सिंस ये बहुत सिंपल टेक्स्ट था, मेरा काम हो गया, ठीक है। अगर मुझे सेंटेंस लेवल टोकनाइजेशन करना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, डॉट के ऊपर स्प्लिट करना है। सो यहाँ पर यू कैन सी देर आर थ्री सेंटेंसेस, और जैसे ही मैंने डॉट के ऊपर स्प्लिट किया मेरे सारे सेंटेंसेस अलग हो गए, ठीक है। तो मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आप जब आपके पास इजी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप स्प्लिट फंक्शन से अपना काम चला सकते हो। बट कभी कभी क्या होगा कि डॉक्यूमेंट में इस तरह का सिनेरियो होगा, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया भी, ये सब जो सिनेरियोज हैं इनमें से अगर कुछ हुआ तो आपका ये स्प्लिट फंक्शन फेल कर जाएगा। लेट मी शो यू वन एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे लिखा है आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब अगर मैंने स्प्लिट लगाया तो देखो लास्ट में क्या हो गया, दिल्ली एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। अब आगे फ्यूचर में कभी भी दिल्ली आएगा तो वो इस दिल्ली से अलग हो जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के जो माइन्यूट प्रॉब्लम्स आएंगी इसको हैंडल नहीं कर पाएगा स्प्लिट फंक्शन, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर देखो, ये एक पूरा काइंड ऑफ फ्रेज है जिसमें दो सेंटेंसेस है और ये क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप नहीं है, और आपने स्प्लिट किया डॉट के ऊपर तो वो दोनों सेंटेंसेस को अलग नहीं कर पाया, क्योंकि आपका स्प्लिट फंक्शन एक ही चीज के ऊपर स्प्लिट कर सकता है, और आपने बोल रखा है कि मुझे फुल स्टॉप के बेसिस पे करना है। अब फुल स्टॉप के बेसिस पे हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं स्प्लिट फंक्शन यूज करने का, ऑल्दो आप कभी कभी कर देते हो डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा प्रोजेक्ट है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स थोड़े भी डिफिकल्ट सिनेरियो में स्प्लिट फंक्शन फेल कर जाएगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन है कि आप रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज करो, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशंस थोड़े ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल लो जो हमने अभी देखा, आई एम गोइंग टू दिल्ली एक्सक्लेमेशन मार्क। यहाँ पर अगर आप ये पैटर्न लगाओ तो यू कैन सी उसने ऑटोमेटिकली वो एक्सक्लेमेशन मार्क हटा दिया, ठीक है। अब इस सिनेरियो में तो ये ठीक बात है, बट व्हाट इफ मुझे वो पंक्चुएशन मार्क भी चाहिए था, तो वो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है इस पैटर्न से, तो ये एक प्रॉब्लम है। रेगुलर एक्सप्रेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत अलग अलग टाइप के पैटर्न्स निकालने पड़ेंगे जो थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बट या स्प्लिट से थोड़ा बढ़िया है रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। इनफैक्ट आई विल ऑल्सो शो यू, जैसे कि ये एक पैराग्राफ है जिसमें मल्टीपल सेंटेंसेस हैं और सेंटेंसेस
कॉमा से भी एंड हो रहे हैं, डॉट से भी एंड हो रहे हैं और क्वेश्चन मार्क से भी एंड हो रहे हैं। अब ऑब्वियसली स्प्लिट फंक्शन ये काम नहीं कर पाता, बट अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप इस तरह के पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हो कि जो डॉट, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क सबके बेसिस पे सेंटेंसेस को अलग करेगा। यू कैन सी यहाँ पर ये क्लियरली कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको एक ही बात समझ में आई होगी कि जो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं वो स्प्लिट फंक्शन से थोड़े बेटर हैं, बट उनमें भी प्रॉब्लम्स हैं। और अगर आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए तो आपका बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप लाइब्रेरीज यूज करो, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप करते भी हो। जो सबसे पहली लाइब्रेरी है वो है NLTK। NLTK में आपको दो फंक्शंस मिल जाएंगे, वर्ड टोकनाइज और सेंटेंस टोकनाइज। अब इन फंक्शंस की खासियत क्या है कि इनके अंदर इंटरनल एल्गोरिदम्स चलते हैं जो इस तरह के डिफिकल्ट सिनेरियोज को भी हैंडल करने के लिए रेडी है। ठीक है, लेट मी शो यू। जैसे कि यहां पर देखो, आई एम गोइंग टू विजिट दिल्ली एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे मैंने इसके ऊपर वर्ड टोकनाइज अप्लाई किया, यू कैन सी सारे के सारे टोकन्स अलग हो गए, दिल्ली भी अलग हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क भी अलग हो गया। ठीक है, तो यू कैन सी यहाँ पे क्लियरली अच्छा काम कर रहा है। सेम गोज विथ दिस वन। यहाँ पे आपको कुछ भी पैटर्न्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, उसने सेंटेंस टोकनाइज फंक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली ये सारा काम करके दे दिया। ठीक है, इनफैक्ट अगर मैं आपको कुछ डिफिकल्ट एग्जांपल्स दिखाऊं, जैसे कि ये देखो, आई हैव अ PhD इन AI। ठीक है, सिमिलरली वी आर हेयर टू हेल्प, मेल अस एट दिस एंड अ 5 किलोमीटर राइड कॉस्ट $10.50। मैं एक एक करके ये दिखाता हूँ। जैसे कि फर्स्ट वाले में अगर आप देखो तो उसने परफेक्टली हैंडल किया है। ठीक है, उसने PhD को अलग कर दिया, AI को अलग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड वाले में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, NLTK भी परफेक्ट नहीं है, उसकी भी परेशानियां हैं। सो यू कैन सी उसने VR को अलग कर दिया, हेयर टू हेल्प एक्सक्लेमेशन मार्क को अलग कर दिया, मेल अस एट को अलग कर दिया। यहाँ पे उसको ने थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, उसने पूरे के पूरे ईमेल आईडी को भी ब्रेक कर दिया, NKS अलग हो गया, @ अलग हो गया, gmail.com अलग हो गया। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा फेल किया है NLTK भी। ठीक है, लास्ट वाले का एग्जाम्पल देखते हैं। अब 5 किलोमीटर यहाँ पे फेल किया, 5 km को साथ में ले लिया, राइड कॉस्ट डॉलर अलग कर दिया, 1050 को साथ में रखा, तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है। बट अगेन रेगुलर एक्सप्रेशन से बेटर है। ठीक है, जो मेरे ऑब्जर्वेशन में बेस्ट टोकनाइजेशन टेक्निक है वो आपको स्पेसी लाइब्रेरी देता है। ठीक है, स्पेसी भी एक NLP लाइब्रेरी है जो बहुत बढ़िया काम करती है। आपको सबसे पहले स्पेसी को इम्पोर्ट करना है और आपको ये इंग्लिश स्मॉल डिक्शनरी लोड करना है, और आपको बस कुछ नहीं करना, आपके जो सेंटेंसेस थे, ये जो सारे सेंटेंसेस थे उनको डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है। ये जो सेंटेंसेस हैं इनको आपको डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है लाइक दिस। बहुत सिंपल है। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, आप किसी भी डॉक्यूमेंट को पकड़ो, लाइक मैं डॉक्यूमेंट 1 को पकड़ रहा हूँ। डॉक्यूमेंट 1 इज सेंटेंस 5, दिस वन, आई हैव अ PhD इन AI। एंड अगर आप मैं इसको रन करूं तो आई जस्ट rerun this, you can see यहाँ पे देखो, आई हैव अ PhD। अब यहाँ पे स्पेसी एक केस में फेल कर गया, PH डॉट और डी को उसने अलग कर दिया, तो यहाँ पे NLTK ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अगर हम डॉक्यूमेंट 2 का बात करें तो वी आर हेयर टू हेल्प, मेल अस एट, यहाँ पे उसने ईमेल आईडी को सही पकड़ लिया। अगर हम डॉक्यूमेंट 3 का बात करें तो 5 किलोमीटर अलग है, 5 अलग है, किलोमीटर अलग है, तो दैट इज अ गुड थिंग। राइड कॉस्ट $10.50, यहाँ पे इसने एकदम परफेक्ट काम किया। और अगर मैं डॉक्यूमेंट 4 दिखाऊं, आई एम गोइंग टू दिल्ली वाला, आई एम गोइंग टू विजिट दिल्ली, तो अगर आप स्पेसी का बात करो तो वो सिर्फ एक केस में फेल हुआ है और वो है ये PhD वाले केस में। ठीक है, तो बस समझने की बात ये है कि टोकनाइजेशन होता क्या है, टोकनाइजेशन क्यों करना है, टोकनाइजेशन करने में क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी टेक्निक फुल प्रूफ नहीं है, देर आर डिफरेंट टेक्निक्स, देर आर डिफरेंट लाइब्रेरीज, मैंने सारा बताया भी नहीं है आपको। मेरे ऑब्जर्वेशन में जो सबसे बढ़िया रिजल्ट देता है वो है स्पेसी लाइब्रेरी। फ्यूचर में भी यू वुड सी कि जब मैं कोई प्रोजेक्ट करूंगा वहां पे टोकनाइजेशन के लिए आई विल यूज स्पेसी। बट अगर आपका डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है तो आप NLTK से भी अपना काम चला सकते हो। ठीक है, सो या दैट्स इट। सो गाइज, जो लास्ट प्री प्रोसेसिंग स्टेप हम लोग सीखने वाले हैं उसका नाम है स्टेमिंग। स्टेमिंग और एक और चीज हम साथ में पढ़ेंगे, लेमिटाइजेशन। ठीक है, पहले स्टेमिंग डिस्कस करते हैं।
अब स्टेमिंग डिस्कस करने के लिए आपको एक पॉइंट, एक टर्म समझाना है, इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इन्फ्लेक्शन क्या होता है ग्रामर में या इंग्लिश में या लैंग्वेज में? सो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन ग्रामर इन्फ्लेक्शन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ अ वर्ड टू एक्सप्रेस डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरीज सच एज टेंस, केस, वॉइस, एस्पेक्ट, पर्सन, नंबर, जेंडर एंड मूड। सो इन शॉर्ट, अगर आप किसी वर्ड को पकड़ के उसमें थोड़े चेंजेस कर देते हो ताकि वो कुछ डिफरेंट चीजें समझा पाए, बता पाए, तो उसको इन्फ्लेक्शन बोला जाता है। और इंग्लिश लैंग्वेज में इन्फ्लेक्शन को बहुत यूज किया जाता है टू शो टेंसेस, केसेस, वॉइस, एस्पेक्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि एक वर्ड है वॉक, ठीक है, अब इसमें आप सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस लगा के क्या कर सकते हो, इस वॉक जो वर्ड है उसका मीनिंग चेंज कर सकते हो। सो एक हो जाएगा वॉकिंग, एक हो जाएगा वॉक्ड, ठीक है, एक हो जाएगा वॉक्स। ठीक है, अब जो बेस टर्म था जिसको आप रूट वर्ड भी बोलते हो या स्टेम बोल सकते हो उसको, वो था वॉक, बट उसके आगे आपने सफिक्सेस लगा लगा के अलग अलग मीनिंग्स क्रिएट कर दिए। ठीक है, जैसे कि एक वर्ड है डू, इससे आप बहुत इजीली ये बना सकते हो अनडूएबल। अब यहाँ पे अन प्रीफिक्स है और एबल सफिक्स है और जो वर्ड है वो डू है। ठीक है, तो इंग्लिश में ये इन्फ्लेक्शन बहुत यूज होता है, सेम वर्ड को अलग अलग ढंग से यूज किया जाता है और ये प्रॉब्लमैटिक है एनएलपी सिस्टम्स के लिए। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूँ स्टेमिंग क्या होता है। सो स्टेमिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग इन्फ्लेक्शन इन वर्ड्स टू देयर रूट फॉर्म सच एज मैपिंग अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू द सेम स्टेम इवन इफ द स्टेम इटसेल्फ इज नॉट अ वैलिड वर्ड इन द लैंग्वेज। सो इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपके पास इन्फ्लेक्टेड वर्ड्स हैं आपके डॉक्यूमेंट में, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो उसमें इस तरह के वर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो आप अगर उसको उसके रूट फॉर्म में लेके आ रहे हो, अगर आप उसको उसके रूट फॉर्म में लेके आ रहे हो तो इस प्रोसेस को स्टेमिंग बोला जाता है। ठीक है, और ये बहुत यूजफुल टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग टेक्निक है, कई जगहों पे यूज होता है, बट जहां पे सबसे ज्यादा यूज होता है वो है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स। जब भी आप ऐसे सिस्टम्स बना रहे हो जहां से आप इंफॉर्मेशन रिट्रीव करोगे, उस तरह के सिनेरियोज में स्टेमिंग बहुत काम आता है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। ठीक है, अगर लेट्स से आप गूगल का एग्जांपल ले लो, सो गूगल इन इटसेल्फ इज अ सर्च इंजन और सर्च इंजन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, अब गूगल में अगर आप सर्च करो लेट्स से फिश, या फिर आप सर्च करो फिशिंग, या फिर आप सर्च करो फिशनेट, तो इनमें से कोई भी चीज को आप सर्च करोगे तो इन तीनों चीजों से रिलेटेड फोटोज या सर्च रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे। और ये जरूरी भी है, अगर मैं फिश सर्च कर रहा हूं और फिशिंग से रिलेटेड रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो दैट इज बैड। ठीक है, तो स्टेमिंग बहुत जगह पे यूजफुल है, बट सबसे ज्यादा जहां पे यूज होता है वो है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स। आई गेस आपको लॉजिक समझ में आ रहा है। अब सवाल आता है कि हम कैसे करेंगे स्टेमिंग। बहुत सिंपल है, हम एनएलटी के लाइब्रेरी को यूज करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल स्टेमर्स होते हैं। स्टेमर क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं। स्टेमर होता है एक ऐसा एल्गोरिदम जो आपके लिए स्टेमिंग करता है। ठीक है, तो मल्टीपल स्टेमर्स हैं। ये स्टेमर्स एक्चुअली लिंग्विस्ट बनाते हैं, एज इन लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो लोग बनाते हैं, जिनको लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे आप इन वर्ड्स से ये निकाल सकते हो। ये बहुत लैंग्वेज का डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसके लिए। तो ये एल्गोरिदम्स जिन लोगों ने बनाए हैं वो लोग लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स हैं, हमारा पर्पज नहीं है उसको समझना। बट एनएलटीके में आपको बहुत सारे स्टेमर्स एज इन बहुत सारे एल्गोरिदम्स मिलेंगे। हम जो एल्गोरिदम यूज करेंगे उसका नाम है पोर्टर स्टेमर। देर वॉज दिस लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट, कुछ पोर्टर नाम था उनका, उन्होंने ही ये एल्गो बनाया था 80s में, और ये स्पेसिफिकली इंग्लिश के लिए है। ठीक है, अगर आपको दूसरे लैंग्वेजेस के ऊपर स्टेमिंग करना है तो एक और पोर्टर है, स्टेमर है, स्नोबॉल स्टेमर।
ये आप यूज कर सकते हो अगर आप कोई दूसरा लैंग्वेज के ऊपर स्टेमिंग करना चाहते हो, ठीक है। बट हम इस वीडियो में पोर्टर स्टेमर को देखेंगे कि कैसे यूज करना है, ठीक है। इनफैक्ट लेट मी शो यू द कोड। सो सबसे पहले आपको एनएलटीके से पोर्टर स्टेमर को इंपोर्ट करना है, उसके बाद आपको पोर्टर स्टेमर का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, लेट्स कॉल इट पीएस, और फिर मैंने बस एक सिंपल फंक्शन बना दिया है स्टेम वर्ड्स बोल के। अब स्टेम वर्ड्स का लॉजिक बहुत सिंपल है, मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे जो टेक्स्ट मिल रहा है मैं उसको टोकनाइज कर रहा हूँ स्प्लिट फंक्शन यूज करके, और फिर एक एक करके सारे के सारे जो टोकन्स हैं उसको पीएस डॉट स्टेम फंक्शन में पास कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली सबका रूट फॉर्म एक्सट्रैक्ट हो रहा है और उस रूट फॉर्म को मैं वापस ज्वाइन कर दे रहा हूँ एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। बस यही फंक्शन है मेरे पास। अब अगर आप देखो मेरे पास एक सैम्पल स्ट्रिंग है, वॉक वॉक्स वॉकिंग वॉक्ड। सो अगर मैं इसको भेजूं मेरे फंक्शन में, यू कैन सी सभी का रूट फॉर्म एक्सट्रैक्ट हो गया और वो रूट फॉर्म क्या था, वॉक, ठीक है। अब अगर मैं एक बड़ा सा स्ट्रिंग लूं, जैसे कि एक बड़ा सा स्ट्रिंग है, अगर मैं इसके ऊपर चलाऊं, दिस इज द स्ट्रिंग एक्चुअली, दिस इज द स्ट्रिंग, और मैंने क्या किया उसके ऊपर स्टेमर को चलाया, यू कैन सी दिस इज द आउटपुट। अब यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि जब स्टेमिंग होता है ना, तो आप जब रूट वर्ड पे पहुंचते हो तो कई बार वो रूट वर्ड क्या होता है, इंग्लिश का वर्ड नहीं होता, वो लैंग्वेज का वर्ड नहीं होता, वो कंप्लीटली अलग वर्ड होता है। ये बात मैंने यहाँ पे आपको दिखाई भी थी, यू कैन सी यहाँ पर, इफ यू रीड यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेमिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग इन्फ्लेक्शन इन वर्ड्स टू देयर रूट फॉर्म्स, ठीक है, रूट फॉर्म में लाने के प्रोसेस को स्टेमिंग बोला जाता है, सच एज मैपिंग अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू द सेम स्टेम। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इवन इफ द स्टेम इटसेल्फ इज नॉट अ वैलिड वर्ड इन द लैंग्वेज। सो यहां पर आप देख सकते हो वही हो रहा है, प्रोबेबली के ऊपर हम स्टेमिंग लगा रहे हैं बट जो रूट वर्ड है वो प्रोबेबल नहीं है, वो विदाउट ई प्रोबेबल है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप और आगे देखो, मूवी का मूवी हो गया, स्टोरी का स्टोर स्टोर ई हो गया विद एन आई, सो स्टेमिंग में ये एक प्रॉब्लम है। सो अगर आपको लेट्स से स्टेमिंग का रिजल्ट किसी को दिखाना है, लेट्स से अपने यूजर को दिखाना है, तो फिर स्टेमिंग इज नॉट द करेक्ट वे टू डू दिस। इंस्टेड आपको फिर क्या करना चाहिए, आपको एक सेकेंड टेक्निक यूज करना चाहिए जिसको हम बोलते हैं लेमेटाइजेशन। लेमेटाइजेशन और स्टेमिंग का काम सेम है, ठीक है, रूट वर्ड निकालना, बट स्टेमिंग का जो आउटपुट है वो आपका कई बार इंग्लिश में वर्ड ही नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, बट लेमेटाइजेशन का जो आउटपुट है वो हमेशा एक इंग्लिश का वर्ड होगा, वो लैंग्वेज का वर्ड होगा, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि लेमेटाइजेशन थोड़ा स्लो है बिकॉज वो वापस इंग्लिश का वर्ड या लैंग्वेज का वर्ड खोजता है, स्टेमिंग थोड़ा फास्ट है, ठीक है। अब अगर आपको अपने यूजर को आउटपुट नहीं दिखाना है और आपको स्पीड मैटर करता है तो आपको स्टेमिंग यूज करना चाहिए, और अगर आपको यूजर को आउटपुट दिखाना है, इन दैट केस यू विल हैव टू यूज लेमेटाइजेशन, ठीक है। सो अब मैं नेक्स्ट डिस्कस करूंगा कि लेमेटाइजेशन कैसे काम करता है। सो गाइज लेट्स नाउ टॉक अबाउट लेमेटाइजेशन, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, लेमेटाइजेशन अनलाइक स्टेमिंग रिड्यूसेस द इन्फ्लेक्टेड वर्ड्स प्रॉपरली एंश्योरिंग दैट द रूट वर्ड बिलोंग्स टू द लैंग्वेज। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। In lemmatization, root word is called lemma. A lemma is the canonical form, dictionary form or citation form of a set of words. ठीक है, basically आपका जो root word है उसको आप lemma बोलते हो, और ये एक word होता है हमेशा जो language का ही होता है, ठीक है, मतलब language में वो word होगा ही होगा। This is the main difference. अब अगर आप बात करो कि lemmatization काम कैसे करता है, जैसे stemming में there are algorithms. There are algorithms which decide कि suffix को हटाना है या prefix को हटाना है या कैसे हटाना है, ये सबके पीछे एक algorithm काम करता है। lemmatization में क्या होता है कि आप एक dictionary में जाकर के देखते हो, जैसे हम WordNet lemmatizer use करेंगे। So WordNet क्या है, ये एक lexical dictionary है, WordNet is a lexical dictionary जिसमें आपके English language के अलग अलग words आपस में कैसे रिलेटेड है ये स्टोर्ड है, ठीक है। तो आप जब भी वर्डनेट लेमेटाइजर यूज करते हो टू फाइंड द लेमा ऑफ अ वर्ड, तो होता क्या है कि आप इस डिक्शनरी में सर्च कर रहे होते हो, एंड दैट इज वाई ये थोड़ा स्लो होता है। और सिंस ये
एक एल्गोरिदम बेस्ड है, ये थोड़ा फास्ट होता है. दिस इज द मेन डिफरेंस, ठीक है, कि यहाँ पे सर्चिंग होता है और यहाँ पे एक एल्गोरिदम के बेसिस पे आप कैलकुलेट करते हो कि रूट वर्ड क्या होगा. ठीक है, तो हम लोग एक बार देखते हैं कि वर्डलेट लेमिटाइजर कैसे यूज करना है. एक कोड है मेरे पास, कोड बहुत सिंपल है. आपको एनएलटी के इम्पोर्ट करना है, एनएलटी के डॉट स्टेम से वर्डनेट लेमिटाइजर को इम्पोर्ट करना है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है. ये रहा हमारा सेंटेंस. मैं पंक्चुएशन मार्क्स को सबसे पहले हटाऊंगा. सो सबसे पहले मैंने क्या किया कि टोकनाइजेशन किया पूरे सेंटेंस का और सारे के सारे टोकन्स को इसमें डाल दिया. अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इन सारे टोकन्स में जितने भी पंक्चुएशन हैं मैं उनको हटा दे रहा हूँ और फिर बाकी जो बचे वर्ड्स हैं या टोकन्स हैं मैं उनके ऊपर वर्डनेट लेमिटाइजर डॉट लेमिटाइज फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ. ठीक है, और ये रहा मेरा आउटपुट. सो एक तरफ टोकन्स हैं, दूसरी तरफ उनका लेमा है. ठीक है, एंड यू वुड नोटिस वन थिंग कि हुआ नहीं कुछ भी चेंजेस, राइट? ये देखो कोई चेंजेस नहीं हुए. उसका रीजन ये है कि आपको जब भी लेमिटाइजेशन करना होता है तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच स्पेसिफाई करना होता है. लाइक अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूं कि मुझे वर्ब चाहिए तो यू कैन सी दिस वुड बी द आउटपुट. सो व्हाइल लेमिटाइजिंग यू हैव टू ऑल्सो प्रोवाइड कि आपको कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में लेमिटाइजेशन करना है. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका स्टेमिंग करके काम चल जाएगा. बट अगर कभी ऐसा सिचुएशन आए जहां पर आपको आउटपुट यूजर को दिखाना है, इन दैट केस आपको लेमिटाइजेशन यूज करना पड़ेगा. ठीक है, दोनों में फास्ट स्टेमिंग है, लेमिटाइजेशन स्लो है, और अगर स्पीड मैटर कर रहा है तो आप स्टेमिंग यूज करोगे. ठीक है, तो ये हो गया स्टेमिंग और लेमिटाइजेशन, एंड विद दैट हमने सारे के सारे टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स डिस्कस कर लिए. ओके गाइस, सो अब आपका असाइनमेंट डिस्कस करते हैं. असाइनमेंट में इस बार थोड़ा इंटरेस्टिंग काम मिलेगा आपको. आपको थोड़ा कोडिंग करना है और थोड़ा दिमाग लगाना है. सो आपका असाइनमेंट एक्चुअली ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक डेटा सेट क्रिएट करना है. यू हैव टू क्रिएट अ डेटा सेट एंड देन यू हैव टू परफॉर्म टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग ऑन योर ओन डेटा सेट. ठीक है, सो पहले क्रिएशन करना पड़ेगा और फिर टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी. सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या क्रिएट कर रहे हो. सो आप एक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करने वाले हो, एक्चुअली डेटा सेट बनाने वाले हो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का. सो इसमें क्या होगा, ये एक मूवीज का डेटा सेट होगा जिसमें दो कॉलम्स होंगे. फर्स्ट कॉलम में होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द मूवी, ठीक है, और सेकेंड कॉलम में होगा कि उसके जॉनर क्या है. जैसे कि मान लो हमारे पास एक मूवी है, एक्चुअली तीन कॉलम्स ले लेते हैं. एक होगा मूवी का नाम, जैसे मान लो हमारे पास मूवी है मैट्रिक्स, फिर मैट्रिक्स का डिस्क्रिप्शन होगा टेक्स्चुअल डेटा एक पैराग्राफ, ठीक है, और फिर यहाँ पे जॉनर लिखा होगा साईफाई एक्शन ड्रामा. ठीक है, फिर इसी तरीके से सेकेंड मूवी थ्री इडियट्स, उसका डिस्क्रिप्शन और उसके बाद उसका जॉनर. ठीक है, उसका जॉनर हो गया कॉमेडी ड्रामा रोमांस. ठीक है, इस तरह का आपको एक डेटा सेट बनाना है. अब क्वेश्चन ये आता है कि कहां से बनाओगे, तो आप यूज करोगे TMDB API. जस्ट लाइक IMDB, TMDB एक वेबसाइट है जहां पे आपको APIs मिलती हैं. लेट मी शो यू, दिस इज द TMDB API का वेबसाइट. अगर आप ये सर्च करो, इनफैक्ट चलो मैं आपको डायरेक्टली URL दे देता हूँ. आपको क्या करना है, आपको इस URL पे जाना है, इस URL पे जाना है. दिस इज द URL, मैं ये URL शेयर कर दूंगा. यहाँ पे मेरा API की दिया हुआ है तो आप ये यूज कर सकते हो. जैसे आप ये API की पे हिट करोगे, ये आपको टॉप रेटेड मूवीज निकाल के देगा पेज वाइज. सो करेंटली मैं पेज वन देख रहा हूँ, हर पेज में 20 मूवीज है. अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरी चीज को कॉपी करता हूँ
और इस टूल में डाल देता हूँ जिससे जेसॉन दिखाई दे. सो यू कैन सी पेज वन में देर आर 20 मूवीज. अगर आपको फर्स्ट मूवी का डिटेल चाहिए तो ये रहा फर्स्ट मूवी का डिटेल, जहाँ पे लिखा हुआ है ओवरव्यू. यही हमारा डिस्क्रिप्शन है, राज इज अ रिच केयर फ्री हैप्पी गो लक्की सेकेंड जनरेशन NRI, ठीक है. और यहाँ पर जॉनर आईडी का इंफॉर्मेशन है, ठीक है. तो अनफॉर्चुनेटली जॉनर आईडी यहाँ पे लिखा, जॉनर लिखा हुआ नहीं है, उसका आईडी दिया हुआ है. तो एक और API है जिसको आपको हिट करना है, दिस इज द सेकेंड API. ये भी URL मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. इस पे जैसे ही आप हिट करोगे आपको ये पूरा एक जेसॉन मिल जाएगा. अगर आप यहाँ पे आप देखना चाहो कि DDLG में कौन कौन से जॉनर्स हैं, तो सबसे पहला जॉनर का आईडी है 35. तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो 35 है कॉमेडी, पहला जॉनर ये है. दूसरा जॉनर है 18, तो 18 है ड्रामा. और तीसरा जॉनर है 10749 जो कि है रोमांस, ठीक है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस URL पे हिट करके पेज बाय पेज मूवीज निकालनी पड़ेंगी. फिर हर मूवी के लिए आपको यहां से देखना पड़ेगा कि वो कौन से जॉनर में आती है, ठीक है. और लूप में आपको ये काम कब तक करना है, 471 टाइम्स, क्योंकि ये एक पेज है, लास्ट पेज है 471. दिस इज द लास्ट पेज, ठीक है. यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो. टोटल पेजेस 471, टोटल मूवीज कितनी है 9402. सो फॉर एवरी मूवी यू हैव टू फेच आउट दिस इंफॉर्मेशन एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ डेटा फ्रेम. जब ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा, अब आपको क्या करना है कि ये जो आपका डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम है, यहां पर आपके पास 9000 मूवीज का डिस्क्रिप्शन है, 9000 प्लस मूवीज का डिस्क्रिप्शन है. अब आपको इस डिस्क्रिप्शन के ऊपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग अप्लाई करना है. सो आप लोअर केसिंग करोगे, अगर डिस्क्रिप्शन में HTML टैग्स है तो उसको हटाओगे, URLs हटाओगे, पंक्चुएशन हटाओगे, चैट वर्ड वाली चीज शायद ना आए, स्पेलिंग करेक्शन करोगे, स्टॉप वर्ड्स हटाओगे, इमोजीज शायद नहीं होंगे, टोकनाइजेशन करोगे और उसके बाद स्टेमिंग एंड लिमिटाइजेशन करोगे, ठीक है. तो ये थोड़ा सा मेहनत का काम है. पहले डेटा सेट क्रिएट करना है आपको, उसके बाद आपको उसके ऊपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करना है, ठीक है. मैं किसी और के डेटा सेट पे इसलिए नहीं करने को दे रहा बिकॉज अपने डेटा सेट पे जब आप करोगे ना, तो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट के साथ, थोड़े ज्यादा एंथुजियाज्म के साथ करोगे और ज्यादा सीखोगे, ठीक है. सो दिस इज योर असाइनमेंट. सो दैट वॉज द वीडियो गाइज, और असाइनमेंट भी मैंने आपको दे दिया. आई होप आपको वीडियो समझ में आया. अगर एक बार में आप समझ नहीं पाए हो तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप फिर से देखो. अगर चाहो तो अपने लैपटॉप पे लेकर के, यू नो, जो भी कोड्स मैंने आपको दिए हैं वो रन करके देखो, शायद थोड़ा बेटर समझ में आएगा. एंड नेक्स्ट वीक हम लोग फीचर इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे, जहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएंगी चीज़ें. और बस दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है. So that's it from my side. Bye. Thank you.